बेटा हमारे नाम के चर्चे सारे क्षेत्र में मिलेंगे। लिस्ट उठा के देख एक बारी, वाल्मीकि टॉप पे मिलेंगे। अच्छा, वाल्मीकि टॉप पे मिलेंगे। दोस्तों, मैं इन सब मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। अबे साले, जाटो समाज की जब भी जो पीढ़ियां थी भी घास छीलती थी, दूसरों की गुलामी करती थी, मरे हुए पशुओं की खाल उधेड़ते थे। अगर मैं ही मान लूं कि सरकार हूं, जाटो समाज और वाल्मीकि समाज, इनके किसी को भेजवा कर इनकी दोनों टांगे तोड़वा दिया और इनके बस्तियों के पास जाओ, इनके इलाके, इनके क्षेत्र के पास जाओ, तो कोई ऐसा रोजगार का साधन नहीं है, लेकिन शराब की दुकानें जरूर मिल जाएंगी। 50,000 से ज्यादा स्कूलें बंद कर दिए गए हैं, यानी शिक्षा से तुम्हें विकलांग कर दिया गया है, अपाहिज कर दिया गया है, क्योंकि अंधविश्वास एक ऐसी जंजीर है, गुलाम की एक ऐसी जंजीर है, पिछड़ेपन की एक ऐसी जंजीर है, जो आम जनता को। हमारे नाम के चर्चे सारे क्षेत्र में मिलेंगे। लिस्ट उठा के देख एक बारी, वाल्मीकि टॉप पे मिलेंगे। अच्छा, वाल्मीकि टॉप पे मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं इन सब मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। अबे साले, मगर क्या करें, जब समाज में भ्रामक चीजें फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, तब बोलना जरूरी हो जाता है। और वैसे भी हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि हम किसी भी विषय पर अपनी राय रख सकते हैं, खैर शांतिपूर्ण तरीके से। खैर, मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको जाटो समाज और वाल्मीकि समाज, यानी SC ST में आने वाले सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए इस वीडियो को। हमारे नाम के चर्चे सारे क्षेत्र में मिलेंगे। लिस्ट उठा के देख एक बारी, वाल्मीकि टॉप पे मिलेंगे। कैसा? हम जाटो समाज जातियों से 100 साल पीछे है। वाल्मीकि टॉप पे मिलेंगे। क्या बोला तूने? अपने मन में हम कुछ भी कहे, हम कुछ भी कहे, हम बहुत मार्शल कौम है। हम जाटो समाज जातियों से 100 साल पीछे है, जिसमें बेचारी की जागृति और एकता नहीं है, उसमें सुधार नहीं हो सकता। देख लिया। खैर, ताऊ किसी भी समाज से हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वाल्मीकि समाज से हैं, और इनका कहना है कि वाल्मीकि समाज चाहे जितना भी अहंकार पाल ले, मैं पाल ले, ठीक है, घमंड कर ले कि हम ये हैं, वो हैं, फलाना है, ढिकाना है, अपने मन में हम कुछ भी कहे, हम कुछ भी कहे, हम बहुत मार्शल कौम है, लेकिन ये जाटो समाज से 100 साल पीछे है। खैर, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर ताऊ जी कह रहे हैं कि जाटो समाज से वाल्मीकि समाज 100 साल पीछे है, तो कारण क्या रहा है? कारण को ढूंढिए ना। देखो, कारण यह है कि जाटो समाज जो है अपनी पुरानी पेशाओं को छोड़कर, परंपराओं को छोड़कर, ऐसा नहीं है कि जाटो समाज के लोग पहले से ही बने हुए थे, संपन्न लोग थे, ऐसा नहीं है। जाटो समाज की जब भी जो पीढ़ियां थी वो भी घास छीलती थी, दूसरों की गुलामी करती थी, मरे हुए पशुओं की खाल उधेड़ते थे, लेकिन इन लोगों ने जब से महापुरुषों को पढ़ना शुरू किया, बाबा साहेब अम्बेडकर को, ज्योतिबा भाई फूले को, साहू जी महाराज को, और तमाम जो महापुरुष हैं बहुजन समाज को, उन्हें जब पढ़ना शुरू कर दिया, तब इन्होंने अपनी पुरानी पेशाओं को छोड़कर हाथ में कलम और किताब उठा लिया, क्योंकि बाबा साहब ही कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, यानी शिक्षा को उन्होंने फर्स्ट लेवल पर रखा और पाखंडवाद, अंधविश्वास से दूर रहने को कहा, और आज जाटो समाज उसी को बड़ी ही अच्छे तरीके से अपना रहा है। लेकिन कुछ ऐसे तबके हैं जिनको पीछे होने की बात कही जा रही है, वो आज भी झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और उन लोगों को मान रहे हैं जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, संघर्ष से कोई लेना देना नहीं, वो लोगों को मान रहा है जो किस्मत पर भरोसा रखते हैं, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं उनके पीछे होने की, क्योंकि अंधविश्वास एक ऐसी जंजीर है, गुलाम की एक ऐसी जंजीर है, पिछड़ेपन की एक ऐसी जंजीर है, जो आम जनता को, गरीब जनता को आगे बढ़ने नहीं देगी, भोली भाली जनता को जकड़ के रख लेती है। तो सबसे फर्स्ट लेवल ये है कि अगर आगे बढ़ना है किसी भी गरीब व्यक्ति को, तो उसे अंधविश्वास और पाखंडवाद को दूर रखना होगा, किस्मत को छोड़कर संघर्ष पर भरोसा करना होगा, और अपनी पुरानी पेशाओं को छोड़कर, जिससे लोगों को घृणा होती हो, उसे छोड़कर उन्हें एक नए पेशा को अपनाना होगा, शिक्षा को अपने फर्स्ट लेवल पर रखना होगा, चाहे कुछ भी करें, 2 रोटी कम खाएं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये चीजें हैं जो उन्हें आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन जिस प्रकार से ताऊ जी कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज जाटो समाज से 100 साल पीछे है, तो ये सारे विवाद क्यों छिड़ रहे हैं? दरअसल विवाद इसलिए छिड़ रहे हैं क्योंकि SC ST आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर, ठीक है। तो मैं ताऊ जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये लड़ाई सिर्फ जाटो समाज और वाल्मीकि समाज की है? SC ST में तो तमाम जातियां आती हैं ना, तो क्या वो लोग तो आगे आ ही नहीं रहे हैं? सिर्फ जाटो समाज आगे आ रहा है, वाल्मीकि समाज आ रहा है, एक समाज जो है कि आरक्षण को बचाने की बात कर रहा है, एकजुटता की बात कर रहा है ताकि समाज बटे नहीं, और एक तबका ऐसा है जो बिखराव की बात कर रहा है।
क्योंकि जब 15% आरक्षण था तब तो हम लोग कुछ ना उखाड़ सके, और जब उपवर्गीकरण करके चच्चर 10-10, 5-5% आरक्षण दिए जाएंगे तब हम कौन सी तरक्की की पहाड़ खड़ी कर लेंगे। यदि आप एस सी एस टी आरक्षण में उपवर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये इसलिए मैं गलत कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ही मान लूँ कि सरकार हूँ, ठीक है, मैं और मैंने छत बनवा दिया, छत पर 56 प्रकार के भोजनालय रखवा दिया, और दलित समाज में जो हैं लोग, जाटो समाज और वाल्मीकि समाज, इनकी किसी को भिजवा कर इनकी दोनों टांगें तोड़वा दिया, ठीक है, तोड़वा कर और दूर खड़ा करवा दिया और कह दिया दोनों के कान में कि देखो वो जो खाना है वो वाल्मीकि समाज का है, और जाटो समाज के कान में कह दिया कि देखो जो खाना है वो तुम्हारा है। अभी बेचारे दोनों लड़ रहे हैं आपस में, अब लड़ने लगेंगे ना कि नहीं वो खाना मेरा है मैं जाकर पहले खाऊंगा, वो खाना मेरा है पहले मैं जाकर खाऊंगा। भाई तर्क तो करो, क्या मूर्खता है, तर्क तो करो कि तुम दोनों विकलांग हो। दूसरी पॉइंट कि जिस छत पे खाना रखा गया है वहां सीढ़ी ही नहीं है, तो तुम्हारे आपस में लड़ने का क्या फायदा है, नहीं क्या फायदा है, कोई फायदा है? 50,000 से ज्यादा स्कूलें बंद कर दिए गए हैं, यानी शिक्षा से तुम्हें विकलांग कर दिया गया है, अपाहिज कर दिया गया है। मेडिकल सेवाएं इतनी ज्यादा हाई फाई कर दी गई हैं, यानी इतनी महंगी कर दी गई हैं कि यदि आज कोई दलित समाज का व्यक्ति बीमार हो जाए, उसे कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो एक टिकिया भी खरीद कर नहीं खा सकता। और इनके बस्तियों के पास जाओ, इनके इलाके इनके क्षेत्र के पास जाओ तो कोई ऐसा रोजगार का साधन नहीं है, लेकिन शराब की दुकानें जरूर मिल जाएंगी। यानी इन्हें मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से इन्हें पहले विकलांग बना दिया गया है। इनकी सोचने और समझने की जो तर्कशील बुद्धि है उसको अपाहिज कर दिया गया है, और फिर आरक्षण की एक टुकड़ा फेंक कर, यानी आरक्षण में एसटीएटी आरक्षण में उपवर्गीकरण करके इन्हें आपस में लड़ाने का एक धंधा शुरू कर दिया गया है, और ये आपस में लड़ रहे हैं। भाई मैं ये कह रहा हूं कि जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप आरक्षण का लाभ कैसे उठाओगे, क्योंकि हमारे तो लोग ऐसे हैं, आरोप लगते हैं भाई, ठीक है, कि हमारे लोग जब पढ़ लेते हैं लिखित परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, लेकिन जब वाइवा होता है तब उनका नाम पूछकर, उनकी जाति पूछकर, उनको कम नंबर देकर निकाल दिया जाता है। तो पहले हमें शिक्षा की सख्त जरूरत है, और एक जुड़ता की जरूरत है, और हर चीज को पहले सोचने समझने और तर्क करने की जरूरत है, उसके बाद ही हम कोई चीज का फायदा उठा पाएंगे।